हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के नामिक्लेचर, नामकरण और आयंस जिसमें वो फॉर्म होते हैं, उनके नामकरण इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। आइए, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फास्फोरस एसिड सीरीज, जिसमें फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स आते हैं, H3PO2, H3PO3, H4P2O5। सेकेंड कैटेगरी, फास्फोरिक एसिड्स सीरीज, जिसमें फास्फोरस के 5 ऑक्सी एसिड्स आते हैं, H3PO4, H4P2O6, H4P2O7, HPO3, HPO3 का होल थ्राइज ट्राइमर के रूप में होता है। थर्ड कैटेगरी, पराक्सी फास्फोरिक एसिड्स सीरीज, इस सीरीज में फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड्स आते हैं, H3PO5, H4P2O8। इस प्रकार फास्फोरस के 10 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस 10, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एलिमेंट -3 to +5। हम लोगों को पता है फास्फोरस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2, 8, 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है। इस प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एलिमेंट -3 to +5। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा -3, 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +5। तो -3 to +5, फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम -3 होती है और मैक्सिमम +5 होती है। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन ऑक्सी एसिड्स, टोटल फास्फोरस के 10 ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, जिसमें फास्फोरस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो 4 टाइप की होती है, 4 टाइप, +1, +3, +4 and +5। ध्यान रखिएगा, 10 ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस के बनते हैं, जिसमें फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, +4 and +5। ध्यान रखिएगा, फास्फोरस एसिड्स सीरीज में फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 2 टाइप, +1, +3। तो ध्यान रखिएगा, फास्फोरस एसिड्स सीरीज में फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, 2 टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर आती है, +1 या +3। फास्फोरिक एसिड सीरीज, फास्फोरिक एसिड सीरीज, इस सीरीज में जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसमें फास्फोरस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +4 होती है या +5 होती है। तो ध्यान रखिएगा, फास्फोरिक एसिड सीरीज में फास्फोरस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +4 और +5। पराक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज, इस सीरीज में फास्फोरस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +5 होती है।
केवल एक प्रकार की होती है प्लस फाइव। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, अगर फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन आर प्लस थ्री किसी भी ऑक्सी एसिड में आता है तो लास्ट में अस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अस। तो फास्फोरस एसिड सीरीज जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन आर प्लस थ्री, तो अस का प्रयोग किया जाता है, अस यू एस अस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस सीरीज में जितने भी एसिड्स हैं सभी में अस आता है, फास्फोरस। तो ध्यान रखिएगा प्लस वन और प्लस थ्री अगर आता है तो अस यू एस अस का प्रयोग होता है। इसलिए इस सीरीज का नाम है फास्फोरस एसिड सीरीज। फास्फोरस एसिड सीरीज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन आर प्लस थ्री, प्लस वन भी होती है और प्लस थ्री भी होती है, और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन या प्लस थ्री अगर आता है तो अस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी ऑक्सी एसिड में प्लस फोर हो या प्लस फाइव हो, प्लस फोर हो या प्लस फाइव हो, तो प्लस फोर आर प्लस फाइव। तो ध्यान से देखिएगा, तो इक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इक, इक का प्रयोग होता है। इसलिए इस सीरीज का नाम है फास्फोरिक एसिड सीरीज। इक फास्फोरिक एसिड सीरीज क्यों नाम है इसका? फास्फोरिक इक आ गया, इक का प्रयोग क्यों किया गया है? फास्फोरिक एसिड सीरीज क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर भी होती है और प्लस फाइव भी होती है। तो ध्यान रखिएगा इस सीरीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस एलिमेंट की आती है वो प्लस फोर या प्लस फाइव, इसलिए इस सीरीज का नाम है फास्फोरिक एसिड सीरीज। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, पराक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज, इसका फास्फोरिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि फास्फोरस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो मैक्सिमम प्लस फाइव होती है। तो ध्यान रखिएगा जब मैक्सिमम प्लस फाइव आए इक का प्रयोग करते हैं, या प्लस फोर आए तो इक का प्रयोग करते हैं, प्लस वन आर प्लस थ्री अगर आए तो किसका प्रयोग करते हैं? अस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस एसिड सीरीज, फास्फोरिक एसिड सीरीज, पराक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, आइए इसका नामकरण देखते हैं। नामकरण बहुत ही आसान है। हम पहले फर्स्ट फास्फोरस एसिड सीरीज की बात करते हैं। तो इस तीन प्रकार की ऑक्सी एसिड होते हैं फास्फोरस एसिड सीरीज में। तो फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड H3PO2, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होती है। कितनी होती है? H3PO2 में प्लस वन। तो नामकरण में इसको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, हाइपो। हाइपो का प्रयोग जिस ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन हो आर प्लस फोर हो, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर टू होती है प्लस वन और प्लस थ्री, जिसमें मिनिमम प्लस वन होती है और इस सीरीज के लिए मैक्सिमम जो है प्लस थ्री होती है। तो ध्यान रखिएगा फास्फोरिक एसिड सीरीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है फास्फोरस एलिमेंट की वो प्लस फोर और प्लस फाइव होती है, जिसमें मिनिमम प्लस फोर होती है और मैक्सिमम प्लस फाइव होती है। तो ध्यान रखिएगा पराक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज में केवल एक टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो प्लस फाइव। तो नामकरण हाइपो, हाइपो वहाँ यूज करते हैं, वहाँ प्रयोग करते हैं हाइपो का, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की मिनिमम हो प्लस वन
आर प्लस फोर। तो फास्फोरस एसिड सीरीज में मिनिमम जो है प्लस वन है और फास्फोरिक एसिड सीरीज में मिनिमम जो है प्लस फोर है। प्लस वन इसके लिए है फास्फोरस एसिड सीरीज के लिए और प्लस फोर फास्फोरिक एसिड सीरीज के लिए। तो नामकरण में हाइपो का प्रयोग उस एसिड्स के लिए करते हैं जिसमें मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो H3PO2 में फास्फोरस की प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए हाइपो का प्रयोग करेंगे। तो H3PO2 का नाम है हाइपो फास्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका? हाइपो फास्फोरस एसिड H3PO3। इस एसिड में जो है फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है प्लस थ्री होती है। H3PO3 में फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री होती है। और आर्थो का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की प्लस फाइव हो या प्लस थ्री हो, प्लस फाइव हो या प्लस थ्री हो, मैक्सिमम हो। तो इस सीरीज के लिए मैक्सिमम प्लस थ्री है, इसलिए यहाँ पे आर्थो का प्रयोग करेंगे, आर्थो फास्फोरस एसिड। तो ध्यान से देख लीजिए, आर्थो का प्रयोग इसलिए करेंगे कि इस सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है, मिनिमम प्लस वन। तो हाइपो का प्रयोग इस एसिड के लिए प्लस वन है, मिनिमम है, इसलिए हाइपो फास्फोरस एसिड। और H3PO3 के लिए प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो आर्थो का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम है तो आर्थो फास्फोरस एसिड। H4P2O5 इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री होती है, मैक्सिमम होती है। पाइरो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ फास्फोरस टू हो, ध्यान रखिएगा पाइरो शब्द के लिए प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ फास्फोरस टू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फास्फोरस जो है टू है, H4P2O5। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री और नंबर ऑफ फास्फोरस टू, इसलिए पाइरो फास्फोरस एसिड। तो ध्यान से देख लीजिएगा, फास्फोरस एसिड सीरीज में H3PO2 को हाइपो फास्फोरस एसिड, H3PO3 को आर्थो फास्फोरस एसिड, H4P2O5 को पाइरो फास्फोरस एसिड कहते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। इस सीरीज में जो आयंस बनते हैं उनके लास्ट में आइट का प्रयोग करते हैं। इस सीरीज में जो एसिड हैं उनके जो आयंस बनते हैं उसमें आइट का प्रयोग करते हैं। तो H3PO2 जो है मोनोबेसिक है, 1H+ आयन रिलीज होता है, H3H+ तो H2PO2-1 पावर -1। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है हाइपो फास्फोरस एसिड। तो इस आयंस का नाम हो जाएगा हाइपो फास्फाइट आयन। तो मोनोबेसिक एसिड है तो H2PO2-1 हाइपोफास्फाइट। तो ध्यान रखिएगा, इस सीरीज का जो आयंस होते हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं? आइट का प्रयोग करते हैं, हाइपोफास्फाइट आयन। H3PO3 ये डाइबेसिक है क्योंकि 2H+ आयन रिलीज करता है और H3PO2-, तो ध्यान रखिएगा H3PO3
पावर टू माइनस, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड, तो इसको जो है फास्फाइट आयन कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, फास्फाइट आईटी, ध्यान रखिएगा। इस सीरीज के लिए जो आयन्स बनते हैं वो आइट होते हैं, हाइपोफास्फाइट आयन, और आर्थोफास्फोरस एसिड से फास्फाइट आयन, H4P2O5, ये भी डाई बेसिक एसिड हैं, इसमें से भी 2H+ आयन रिलीज होंगे और बनेगा H2P2O5 पावर 2 माइनस। तो ध्यान रखिएगा H2P2O5 पावर 2 माइनस, इसका नाम है पाइरोफास्फोरस एसिड, तो इसे बोलते हैं पाइरोफास्फाइट आयन, इसका नाम है पाइरोफास्फाइट आयन। तो फास्फोरस एसिड सीरीज नाम हाइपोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड, पाइरोफास्फोरस एसिड, आयंस आईटी, हाइपोफास्फाइट आयन, फास्फाइट आयन, पाइरोफास्फाइट आयन, आईटी का प्रयोग करते हैं इस सीरीज के आयंस के लिए। और जो साल्ट बनते हैं, इस एसिड की रिएक्शन एनवेस से होती है, तो सोडियम हाइपोफास्फाइट साल्ट, इस एसिड से एनओएच की रिएक्शन होती है तो सोडियम फास्फाइट आयन, इस एसिड से एनओएच कास्टिक सोडा की रिएक्शन होती है सोडियम पाइरोफास्फाइट आयन। इसको ध्यान से देख लीजिए, फास्फोरिक एसिड सीरीज, इसमें फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +4 और +5, H3PO4 में फास्फोरस की +5, H4P2O6 में फास्फोरस की +4, H4P2O7 में फास्फोरस की +5, HPO3 में फास्फोरस की +5, HPO3 का होल साइज में +5। तो ध्यान से देख लीजिए, इस सीरीज में जो है 5 ऑक्सी एसिड होते हैं, जिसमें केवल H4P2O6 में फास्फोरस की +4 होती है, बाकी शेष 4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर जो है +5 होती है। तो नामकरण, नामिक्लेचर, आर्थो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस सीरीज के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है +5 होती है, तो किसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे आर्थो, तो इसलिए एसिड का नाम है आर्थो फास्फोरिक इक, +4 हो या +5 हो किसका प्रयोग होता है इक, तो H3PO4 को आर्थो फास्फोरिक एसिड कहते हैं, आर्थो फास्फोरिक एसिड कहते हैं। हाइपो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 या +4, इस सीरीज के लिए +1 और फास्फोरिक एसिड सीरीज के लिए मिनिमम जो है +4 है यहाँ पे, तो +4 है इस सीरीज के लिए, +4 मिनिमम है, तो H4P2O6 में ऑक्सीडेशन नंबर जो है +4 है, इसलिए इसका नाम है हाइपोफास्फोरिक। तो ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में मिनिमम +4, तो मिनिमम +4 है तो हाइपो का प्रयोग किया जाता है, तो हाइपोफास्फोरिक एसिड इसका नाम है। H4P2O7, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +5 और साथ में फास्फोरस की जो संख्या है वो 2 होती है, तो पाइरो के लिए +5 हो या +3 इस सीरीज के लिए था, पाइरो जो है इस सीरीज में जो है +5 है और नंबर ऑफ फास्फोरस कितना है 2 है, तो पाइरो, तो इस एसिड का नाम है पाइरोफास्फोरिक एसिड, H4P2O7 को पाइरोफास्फोरिक एसिड। मेटा के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +5 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, तो HPO3 ऑक्सीडेशन नंबर +5 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, तो जहाँ पे 1 हो और +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो
वहाँ मेटा का प्रयोग करते हैं, तो इस एसिड का नाम है मेटा फास्फोरिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड, H4P2O6 हाइपोफास्फोरिक एसिड, H4P2O7 पाइरोफास्फोरिक एसिड, HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड। HPO3 ट्राइमर के रूप में होता है, S3P3O9 एक साइक्लिक चक्री संरचना बनाता है, इसलिए HPO3 का ट्राइमर है, इसलिए साइक्लो ट्राई, क्योंकि थ्री है, ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा HPO3 का होल थ्राई साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड कहते हैं। साल्ट, इस सीरीज में जो साल्ट बनते हैं या आयंस जो बनते हैं उसमें जो है लास्ट में एट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एट का, एट। तो ध्यान रखिएगा एट वर्ड जो आयंस आते हैं, इसमें जो आयंस फॉर्म होते हैं उसमें एटी, और इसमें जो फॉर्म होते हैं इसमें आईटी का प्रयोग करते हैं। हाइपोफास्फाइट आयन, फास्फाइट आयन, पाइरोफास्फाइट आयन, यहाँ पे फास्फेट आयन, हाइपोफास्फेट आयन, पाइरोफास्फेट आयन, मेटाफास्फेट आयन। तो ध्यान से देख लीजिए इसमें जो आयंस फॉर्म होते हैं वो उसमें प्रयोग एट का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एट का। ट्राइबेसिक एसिड होता है आर्थोफास्फोरिक एसिड, तो इसमें 3H+ आयन निकल जाएंगे, H3PO3 3H+ और PO4 3-, इसको बोलते हैं फास्फेट। एटी आ गया फास्फेट आयन, कौन सा आयन? फास्फेट आयन। H4P2O6 एक टेट्राबेसिक होता है, 4H+ आयन निकल गया और यहाँ से बन गया P2O6⁴-। इस आयन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरिक एसिड। तो इस आयन का नाम है हाइपोफास्फेट आयन, कौन सा आयन? हाइपोफास्फेट आयन। H4P2O7 ये भी टेट्राबेसिक होता है, 4H+ आयन निकल गए, P2O7⁴-। तो ध्यान से देखिएगा P2O7⁴-, इसको बोलते हैं पाइरोफास्फोरिक एसिड। तो इसका नाम है पाइरोफास्फेट, एटी आ गया फास्फेट आयन, पाइरोफास्फेट आयन। तो इसमें जो है फास्फेट आयन, हाइपोफास्फेट आयन, पाइरोफास्फेट आयन, एटी का प्रयोग किया गया है। और HPO3 इसमें से 1H+ आयन रिलीज होगा और PO3⁻¹, इसको बोलते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड। तो इसका नाम है मेटाफास्फेट आयन, इस आयन का नाम है मेटाफास्फेट आयन। तो ध्यान रखिएगा फास्फेट आयन, हाइपोफास्फेट आयन, पाइरोफास्फेट आयन और मेटाफास्फेट आयन। तो इस सीरीज का जो नामकरण है और जो आयंस हैं स्पष्ट हो गया। पराक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज, इसमें फास्फोरस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +5, H3PO5 पराक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड, H4P2O8 पराक्सी डाई फास्फोरिक एसिड। तो पराक्सी शब्द का प्रयोग इस सीरीज के लिए इसलिए किया गया है कि इसमें पराक्साइड आयन पाया जाता है PO22-,
यानी इसमें जो बांड है वो पराक्साइड बांड, पराक्साइड जो है बांड उपस्थित होता है। इसमें कौन सा बांड उपस्थित होता है? पराक्साइड बांड। इस सीरीज में पराक्साइड बांड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम है पराक्सी। तो पराक्साइड बांड जब दो ऑक्सीजन एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बांड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बांड बनाते हैं, और इस ऑक्सीजन एटम पर पावर माइनस वन और इस ऑक्सीजन एटम पर पावर माइनस वन डेवलप होता है, जिसे हम पराक्साइड बांड कहते हैं, और इसको O2 पावर 2 माइनस के रूप में लिख सकते हैं, जिसको पराक्साइड आयन कहते हैं। क्योंकि इस सीरीज में पराक्साइड बांड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बांड बनता है, इसलिए इसका पराक्साइड बांड नाम है। पराक्साइड बांड बनने के कारण इस सीरीज के एसिड को पराक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज कहते हैं। तो H3PO5 संरचना, P ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, POH, POH, POOH, यहाँ पे पराक्साइड बांड पाया जा रहा है, और फास्फोरस की जो संख्या है वो एक है, और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव। तो ध्यान रखिएगा, फास्फोरस की जो संख्या है वो वन है, और पराक्साइड बांड प्रेजेंट है, इसलिए इसे पराक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड कहते हैं। पराक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड कहते हैं, मोनो का मतलब फास्फोरस की संख्या वन। H4P2O8 इसे बोलते हैं पराक्सी डाई फास्फोरिक एसिड। इसमें फास्फोरस जो है टू है, और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव, फास्फोरस की जो संख्या है वो टू है, और यहाँ पे पराक्साइड बांड डेवलप हो रहा है। फास्फोरस डबल बांड ऑक्सीजन POH, POOH, ऑक्सीजन सिंगल बांड OP, फास्फोरस डबल बांड ऑक्सीजन POH, POOH, पराक्साइड बांड। फास्फोरस की संख्या टू है, इसलिए यहाँ पे डाई का प्रयोग किया गया है। पराक्सी पराक्साइड बांड, पराक्साइड बांड, तो इसका नाम है पराक्सी डाई फास्फोरिक एसिड। तो ध्यान से देख लीजिएगा, पराक्सी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि दोनों एसिड में पराक्साइड बांड प्रेजेंट है। तो पराक्साइड बांड प्रेजेंट होने के कारण इसे पराक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड, इसमें फास्फोरस की संख्या टू है, तो पराक्सी डाई फास्फोरिक एसिड कहते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, तो फास्फोरस की जो ऑक्सी एसिड हैं वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फास्फोरस एसिड सीरीज, फास्फोरिक एसिड सीरीज, और पराक्सी फास्फोरिक एसिड सीरीज। इसमें जो है नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपो का प्रयोग कब होगा, आर्थो का प्रयोग कब होगा, पायरो का प्रयोग कब होगा, मेटा का प्रयोग कब होगा, और इनमें जो आयंस फॉर्म होते हैं किसको आईट नाम दिया गया है, किसे ATE8 नाम दिया गया है, हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।